हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से नेक की डिजाइनिंग बनाना बताऊंगी, कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग होगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। हमारी कुर्ती की फ्रंट नेक बनानी है, तो चलते हैं ये इसकी कटिंग करते हैं। तो हमें ये जो कुर्ती की ये जो नेक की चौड़ाई हमें रखनी है, ये 2.5 इंच पे एक निशान लगानी है, और इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो हमें 7 इंच पे एक निशान लगानी है। तो आपको जितना साइज इसका नेक की लंबाई रखना चाहते हो उतना पे आप मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ से एक हम यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से चलिए 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं, और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, फिर यहाँ से ये बनाएंगे, और यहाँ से इस तरह, और फिर हमें इसको इस तरह से, और नीचे में हल्का सा ये शेप देंगे। अब इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे, तो चलते हैं इसे कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ इस तरह ये हमारी ये कट हो गई, और ये हम इसमें लाइनिंग भी हमने ये कट किया है। देखिए ये क्योंकि हमें लाइनिंग से ये नेक बनानी है, फिर यहाँ से इसे इस तरह से कट करेंगे, फिर इसे यहाँ से इस तरह, ये हमारी नेक की डिजाइनिंग कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अब इसे ओपन करेंगे, और इसके ऊपर ये जो हमने मेन वाला फैब्रिक को कट किया है, ये दोनों लाइनिंग के ऊपर इसे डालेंगे, और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए जिस तरह से ये हमने नेक की डिजाइनिंग कट किया उसी शेप में इसकी स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हमें सारे में हाफ हाफ इंच पकड़ना है, और ये सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह, ताकि ये हमने लाइनिंग से ये हमें नेक की पट्टी ही रेडी करनी है। फ्रेंड्स, ये हमें सारे में हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इसे सिलाई लगाकर रेडी कर ली है। देखिए इस तरह, तो इस तरह से हमने नेक की पट्टी ये लाइनिंग से ही अटैच किया है। अब यहाँ से ये हल्का हल्का से ये सेंटर पर इसे कट करेंगे, फिर ये सेंटर पर, अब इसे सीधा करते हैं, ऊपर से एक सिलाई लगा करके इसे रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए ये हम इसके ऊपर से किनारे किनारे सिलाई लगा करके ये नेक की पट्टी रेडी करते हैं। इस तरह से सारे को हमने अच्छे से अंदर की तरफ इसे कर लिया है, और इसके ऊपर से बिल्कुल इसी शेप में हमें मशीन घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह, वो फिर इसे हमने सिलाई लगा करके इसे रेडी किया है। अब हमें इसके ऊपर से लैस लगाने से चलते हैं, लैस अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारा पतला वाला लैस है, इसी को इसके ऊपर डालेंगे, और बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। जिस शेप में हमारी नेक है उसी शेप में ये लैस को अटैच करते जाएंगे। तो चलते हैं ये लैस अटैच करके रेडी करते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल लिया, अब किनारे किनारे इसे सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल हमें किनारे किनारे ही इसे अटैच करना है। देखिए ये लैस लगने से और ये नेक की डिजाइनिंग खूबसूरत लगेगी। फ्रेंड्स, देखिए ये हमने सारे को किनारे किनारे में ये लैस अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा वाला जो भी लैस होगा इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये नेक रेडी हो गई। अब यहाँ पे इस तरह से एक ये शो बटन लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये छोटी वाली नीडल में ये धागा डाल लिया है। अब ये धागा डालने के बाद इस तरह से इसके अंदर इसे डालेंगे। देखिए ये अंदर डाल करके अब इसमें अटैच करेंगे। देखिए ये हमारी अंदर ये इस तरह से डाल लिए। अब एक धागा इधर की साइड से और एक धागा उधर की साइड से हमें ये निकालते हुए इसे अटैच करना है। देखिए इस तरह, तो 2-3 बार हमें इसी तरह से ये धागा को डाल करके इसे अटैच, देखिए इस तरह से इसे अटैच करके ये रेडी करनी है। फ्रेंड्स, हमने इसे 2-3 बार इसे गांठ बांध करके इसे अटैच कर लिया। अब इसे स्टॉल धागे को क्या करेंगे, इसे यहाँ से कट कर देंगे। देखिए ये हमारी ये डिजाइनिंग बनकर ये रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये कितना सिंपल और ये कितना ये खूबसूरत नेक का डिजाइनिंग लग रहा है। तो इस तरह से नेक की डिजाइनिंग आप सूट या कुर्ती में बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका था ये नेक की डिजाइनिंग बनाना। देखिए कितना ये खूबसूरत बनने पर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ्रंट नेक की डिजाइनिंग कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका से आप कुर्ती में सूट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की ये कुर्ती की नेक की डिजाइनिंग की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना है एक लाइक। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।